डियर चिल्ड्रेन गुड मॉर्निंग। देखिए बच्चों, हम फिर से आगे का भाग वॉइस का स्टार्ट करेंगे आज, और आप देख रहे हैं चेंज ऑफ एक्टिव टू पैसिव वॉइस टेंस वाइज चल रहा है। आप दो टेंस फिनिश कर चुके हैं और थर्ड इंडेफिनिट दोनों किए हैं, तीसरा इंडेफिनिट आज। थर्ड इंडेफिनिट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सामने देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सामने दिख रहा है। तो आज हम इस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, हाउ वी विल चेंज द एक्टिव टू पैसिव वॉइस इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस सेंटेंसेस। इसके सेंटेंसेस को कैसे हमें फ्यूचर पैसिव में बनाना है वो आज हम पढ़ेंगे। पहले एक बात बच्चों हम बताना चाहते हैं कि मैंने देखा कुछ बच्चे तो बहुत ही अटेंटिव हैं, मैं देख रहा हूँ वीडियो में, कुछ बच्चे बड़े ही केयरफुल और अटेंटिव हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने अभी तक लगता है वीडियो नहीं देखा है, और मैं उनसे ये आशा करता हूँ कि वो भी अटेंटिव रहें और केयरफुल रहें। जो भी प्रॉब्लम है अपने कमेंट अपने व्यूज़ और लाइक हमें भेजें, ताकि देखिए ऐसा करने से यदि आप ये कार्य करते हैं तो दोनों को बेनिफिट होगा, टीचर को भी और उसी तरह से आपको भी। आप भेज रहे हैं इसका मतलब है आप देख रहे हैं, और ये है टीचर का सेटिस्फेक्शन। टीचर सेटिस्फाई होगा कि हमारा जो लेबर है परिश्रम है वो उसमें हम सक्सेसफुल हैं सफल हो रहे हैं, और आप जब देख रहे हैं तो मुझे पूरा संतोष होगा कि हमारे बच्चे हमारे परिश्रम के साथ खुद स्वयं परिश्रम कर रहे हैं और वो अटेंटिव हैं। तो इस बात को माइंड में रखिए विच आई हैव टोल्ड यू। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखिए उसी तरह से हम कैसे पहचानेंगे, हम ये कैसे पहचानेंगे कि ये वाक्य फ्यूचर का है, उसमें क्या गिवन होगा वो हमें देखना है। अब देखिए क्या गिवन होगा बाद में किसी भी सब्जेक्ट के साथ, आसान सी बात मैंने लिख दी है, सेल ऑब्लिक बिल ऑब्लिक शेल के साथ, शेल अथवा बिल दिया होगा उसके साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म दी होगी। लीजिए कितनी आसान बात है, हम तुरंत पहचान लेंगे। जैसे ही आपने देखा शेल बिल के साथ फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, हम पहचान लेंगे कि हमारा ये जो वाक्य दिया गया है वो फ्यूचर इंडेफिनिट का है। हम बार बार बता रहे हैं कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, टेंस पहचानना है। सबसे पहले हमें टेंस पहचानना होता है, और उसके बाद दूसरा कार्य हमने बताया था ऑब्जेक्ट पर जाना है। ऑब्जेक्ट के लिए कहाँ जाना है, मेन वर्ब पर पहुँचना होता है, और जस्ट आफ्टर ऑब्जेक्ट गिवन होता है। दोनों बातें माइंड में रहें, और उसी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर सब्जेक्ट बनाकर लिखना होता है, और उस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाना होता है, और उसके पहले एजेंट बाई लगा देते हैं। ये तीनों बातें क्रमशः हमें बार बार याद रखनी है पूरे वॉइस में। ओके, अब देखिए इन पैसिव पैसिव बना देंगे हम। पैसिव बनाने के लिए सेम पहला फार्मूला सेम होगा, आप सिर्फ एक जगह ही हमें बार बार चेंज करना है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। ऑब्जेक्ट मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये बात चेंजिंग टू सब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पहला कार्य है। ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना के सब्जेक्ट के प्लेस पर लिखा। ओके, देन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग
शैल अथवा विल का यूज़ करेंगे, आई और वी होगा, शैल का यूज़ करते हैं और अदर्स के साथ विल का यूज़ करते हैं, ठीक है। शैल विल लगाएंगे प्लस ये आ गया, देख लीजिए न्यू वर्ड आपको ऐड करना है बी, लिखाया गया है आपको टेबल में भी लिखाया मैंने, इसलिए आपको टेबल भी माइंड में रखेंगे और मैं हर टेंस के साथ भी लिख रहा हूँ, दोनों वाक्य माइंड में रहें। बी लगाया देन मैन वर्ब बी, यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द मैन वर्ब, थर्ड फॉर्म लिख दी, देन प्रेजेंट बाय लगाया, देन यहाँ पर सब्जेक्ट को लाए हैं ऑब्जेक्ट बनाकर, सब्जेक्ट को लाए हैं ऑब्जेक्ट बनाकर, सब्जेक्ट चेंजिंग इनटू ऑब्जेक्ट, लीजिए पूरा कार्य हो गया, सेम रहा, सिर्फ आपने कहाँ पर चेंज किया है, ओनली बी न्यू वर्ड ऐड किया गया है, आपको याद रहे फ्यूचर इंडेफिनिट बना रहे हैं, विल सेल सेम हेल्पिंग वर्ब रहेगी, केवल हमें नया शब्द बी बढ़ाना है और कहाँ बढ़ाना है, जस्ट बिफोर थर्ड फॉर्म ऑफ द मैन वर्ब, बस जब मैन वर्ब थर्ड फॉर्म लिखने जाएं तो माइंड में रहे कि हमें एक न्यू वर्ड इसमें ऐड करना था, वो है बी, और अगर माइंड में आपने छोड़ दिया तो पूरा सेंटेंस आपका रॉन्ग हो गया, क्योंकि एक नया शब्द जो हमें ऐड करना था वो हम भूल गए, ओके। अब देखिए हम देखेंगे एग्जांपल से, शी विल डू हर होमवर्क रेगुलरली, ठीक है। अब देखिए ये देख लिया हमने, विल्स के साथ फर्स्ट फॉर्म गिवन है, तुरंत हमने ऐसे देखा, आप चाहें तो अपने सेंटेंस पर अंडरलाइन भी कर सकते हैं, देख लिया विल के साथ फर्स्ट फॉर्म गिवन है, इट मीन्स ए फ्यूचर इंडेफिनिट है, तुरंत मैन वर्ब पर जाएं, मैन वर्ब सामने लिखा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मैन वर्ब, डू लिखा हुआ है मैन वर्ब, और जस्ट आफ्टर लिखा है क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेगी, हर होमवर्क, बताया था मैंने पजेसिव में नो चेंज, पजेसिव में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं, इसलिए हर होमवर्क पूरा एक साथ सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट बनकर आ गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पर सब्जेक्ट बनकर आ गया है, हर होमवर्क, ये लीजिए लिख दिया। अब जब होमवर्क है तो उसके साथ तो विल ही आएगा, यही हेल्पिंग वर्ब विल का यूज हुआ, विल डू का विल, और उसके बाद आप जब थर्ड फॉर्म लिखने जाएंगे तो फिर ये लगाना, बी लगाना मत भूलें, बी लगाया देन डू का थर्ड फॉर्म, डू विल डन, हर होमवर्क विल बी डन रेगुलरली, जो अधिक शब्द लिखे रहते हैं उनको आप ऐड कर लें, रेगुलरली रेगुलरली, देन एजेंट बाय आया, देन सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, उसी का ऑब्जेक्ट है, लीजिए चेंज हो गया, हर होमवर्क विल बी डन रेगुलरली बाय हर। सेकेंड है आई शैल ईट दीज फ्रूट्स, आई शैल ईट दीज फ्रूट्स, लीजिए देख लिया हमने, शैल लिखा है, फर्स्ट फॉर्म गिवन है, फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव चल रहा है, और मैन वर्ब के जस्ट आफ्टर लिखा है दिस दैट दीज दोज, नो चेंज, दीज फ्रूट्स क्या खाएंगी, खाएगा खाऊंगा, दीज फ्रूट्स सब्जेक्ट के प्लेस पर अब हो गया है, दीज फ्रूट्स अब फ्रूट्स आ गया, जल्दबाजी नहीं करनी है कि शैल लिखा है शैल उतार के चले आए, आपको देखा आपने सब्जेक्ट हमारा चेंज हो गया है, इट मीन्स माइंड में रहे कि इसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, क्योंकि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब कितनी है टू, इसलिए माइंड में रखना है किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब, दीज फ्रूट्स विल अब थर्ड फॉर्म लिखने जा रहे हैं तो बी पहले यूज करेंगे, ईट एट और ईटन, ईटन
एज इन बाय लगाया देन सब्जेक्ट चेंज इन टू ऑब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट मी। ये है अफर्मेटिव का तरीका बनाने का, बहुत आसान। ठीक है, थर्ड फॉर्म से पहले मी लगा। अब देख लीजिए थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा सा चेंज होगा जब हम एक्टिव नेगेटिव बनाएंगे। इन नेगेटिव सेंटेंसेस अब हम नेगेटिव पढ़ेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस में पैसिव बनाना है, बस एक ही चेंज करना होगा। देख लीजिएगा नेगेटिव सेंटेंसेस में केवल एक नेगेटिव में नॉट क्या बढ़ाना है, नॉट बढ़ाना है। कहाँ बढ़ाना है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट आफ्टर हमें नॉट बढ़ा देंगे। शेयर विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म लीजिए, जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब यानी बी से बिफोर, बी से पहले आपको नॉन पढ़ा देना है, बाकी देख रहे हैं आप सेम थिंग, नो चेंज। देख लीजिए हरीश विल बाय हेज बुक्स, विल नॉट बाय दिस। देख लीजिए निगेटिव आ गया है, विल के बाद नॉट, जहां हेल्पिंग वर्ब लगा है उसी जगह आपको लगाना है, बस नया शब्द जो ऐड करना है वही देखना है। मेन वर्ब रहा बाय, बाय दिस चैप्टर सब्जेक्ट बना के लिए आए हूँ, दिस बुक लीजिए, बुक है इसलिए विल ही रहेगा, नॉट का नॉट देख लीजिए क्रम से लिखा हुआ है, क्रम से लिखते जाइए। अब हम मेन वर्ब तो जब आ गए हैं तो उसके बिफोर माइंड में रहे कि बी बनाना है और बाय का थर्ड फॉर्म लिखना है, बाय व्हाट व्हाट हो गया, दिस बुक विल नॉट बी बॉट, नॉट बी बॉट बाय लगाइए और सब्जेक्ट चेंज टू नॉट बाय हरीश। ठीक है, अब देख लीजिए सेकेंड में, देखिए एक और देख लीजिए, दे विल नॉट हेल्प अस, लीजिए दे विल नॉट हेल्प अस, सेम दिया हुआ नेगेटिव, आप सीधे मेन वर्ब पर गए और जस्ट आफ्टर लिखा हुआ अस, अस को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करके सब्जेक्ट पर गो, सब्जेक्ट में कन्वर्ट किया मीन्स वी। अब जब वी हो गया है तो माइंड में रहे कि वी के आई के साथ और वी के साथ शैल का यूज होता है, लीजिए शैल लिख दिया, शैल नॉट है मैन वर्ब से पहले, बी हेल्प थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय दे ऑब्जेक्ट बना दिया, दे का ऑब्जेक्ट देम। ये लीजिए नेगेटिव फिनिश हो गया, अब आइए इंट्रोगेटिव। अब देखिए इंट्रोगेटिव में आपको पता है इंट्रोगेटिव फिर दो तरह के होते हैं, इंट्रोगेटिव दो तरह के हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टू टाइप्स के हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला और एक क्वेश्चन वर्ड से। आप देखिए एक हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होने वाला, एक क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाला, हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होने वाला। जब वाक्य हेल्पिंग वर्ब
और आपको पता है हेल्पिंग वर्ब टेंस वाइज जब हम पढ़ रहे हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, विल या शैल। हेल्पिंग वर्ब विल और शैल से प्रारंभ हो, जब शैल और विल वाक्य बिगिनिंग में लिखा होगा आरंभ हो तो अब देखिए अब हमें पैसे बनाना। यदि ये कंडीशन है तो लिखा है, ये कंडीशन है तो इन पैसे। अब हम पैसे बनाएंगे, कंडीशन आपको पता हो गई जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो सारा रूल सेम रहेगा, सारा सेम। क्या केवल आ गया यहां पर वाक्य की बिगनिंग में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सबसे पहले शैल अथवा विल का यूज वाक्य के आरंभ में लिख देना है बस, और सारा का सारा रूल से रहेगा। ऑब्जेक्ट चेंजेस इनटू सब्जेक्ट, लीजिए सेम लिखा, देन देख लीजिए बी मैन वर्ब से पहले हम भी लिखते हैं, देन थर्ड फॉर्म, देन एजेंट फाइल लगाया, देन सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बदल दिया, चेंजेस इनटू ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, अब देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, हरीश नंबर वन विल यू फिनिश दिस वर्क इन टाइम। ठीक है, ये देखिए हमने देखा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, विल शैल आगे लगा है वाक्य के आरंभ में, तो हमें भी उसी जगह विल शैल लिख देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या काम करना है, मेन वर्ब पर गए हम, मेन वर्ब कहाँ है फिनिश, और फिनिश के जस्ट आफ्टर जो ऑब्जेक्ट लिखा है उसके अकॉर्डिंग विल शैल लिखना है। हमने देख लिया ऑब्जेक्ट लिखा है क्या, दिस वर्ब, फिनिश क्या करेंगे, दिस वर्ब कहाँ पर आ गया, यू के प्लेस पर, ऐसे मायने में रहे, यहां पर दिस वर्क आया है तो फिर क्या रहेगा, विल रहेगा, आए और बी अगर आ रहा है तो फिर आपको कन्वर्ट करना है शैल में, बस ऐसे देखना है, विल रहेगा, दिस वर्क सब्जेक्ट आ गया है, विल दिस वर्क, देन थर्ड फॉर्म लिखने जा रहे हैं तो बी लगाएंगे, फिनिश का फिनिश द इन टाइम लिखिए, और प्रेजेंट बाई लगा के यू का ऑब्जेक्ट यू, क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। सेकंड पॉइंट देख लीजिए, शैल वी कंप्लीट माय वो अवर अवर होमवर्क, लीजिए तुरंत देखा आपने पर लिखा हुआ है, इसलिए विल सेल का ध्यान रखना है, मैन वर्ब कंप्लीट देन लिखा है अवर होमवर्क, पूरा एक साथ आएगा वहां पर वी के प्लेस पर, और जब अवर होमवर्क हमारा सब्जेक्ट बन गया है इट मीन्स हमें यहां पर क्या करना है, विल का यूज करना है। अब हमारा सब्जेक्ट अवर होमवर्क बन गया है इसलिए यहाँ विल लिख दिया हमने, विल अवर होमवर्क, ये लीजिए। फिर मेन वर्ब से पहले आपको लिखना है बी कंप्लीट का कंप्लीटेड बाय लीजिए, और बी का ऑब्जेक्ट बना के अस लीजिए। ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले वाक्य बहुत आसान, ध्यान रहे विल और सेल माइंड में रखेंगे कि हमें जो हम सब्जेक्ट ला रहे हैं ऑब्जेक्ट को
बदल कर सब्जेक्ट बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग विल से लिखना है और फिर उसके पश्चात मैन वर्ब से बिफोर बी लगाना, बस बाकी सारा काम तो सेम है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट इंट्रोगेटिव का है, जब वाक्य क्वेश्चन वर्ड लीजिए, जब वाक्य क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो तो ठीक है, क्वेश्चन वर्ड से आप प्रारंभ होगा। देखिए केवल एक चेंज हुआ बस, क्वेश्चन वर्ड से यदि प्रारंभ है, देख लीजिए पैसे में क्या करना है, सबसे पहले वही गिवन क्वेश्चन वर्ड, जो क्वेश्चन वर्ड गिवन है वही गिवन क्वेश्चन वर्ड ही यहाँ पर लिख देंगे, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कहाँ पर चेंज करना बताया गया है, हु के प्लेस पर, हु के प्लेस पर बाय हु कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, बाकी सारी बातें सेम लिखनी होगी। अब देख लीजिए बाकी सारी बातें वही हैं, अब देख लीजिए आप नंबर वाला एग्जांपल से बाकी सेम देख लीजिए लिखा हुआ है, व्हाई शैल वी नॉट प्ले हॉकी, प्ले देख लीजिए आप क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, मेन वर्ब पर पहुंच जाइए सीधे और जस्ट आफ्टर लिखा है ऑब्जेक्ट, हॉकी सब्जेक्ट बना है वो किसके प्लेस में जाएगा, वी के प्लेस पर, ऐसे माइंड में रखें कि हॉकी जब यहाँ आ गया है तो हॉकी के अकॉर्डिंग अब हमें शैल ही फिल का यूज करना है बस, और बाकी देखिए कितना आसान कार्य है, बस ये माइंड में रहे, ये मत भूलिए क्वेश्चन वर्ड हमें कुछ करना नहीं था, वाय अब यहाँ पर हो गया विल, फिर यहाँ हो गया है हॉकी, हॉकी फिर नॉट का नॉट रहेगा, इसके बाद थर्ड फॉर्म के पहले पी बढ़ा है, प्लेड फिर बाय लगाया, बाय थोड़ा सा पानी, बाय के बाहर आ गया वी का ऑब्जेक्ट अस, वी का ऑब्जेक्ट अस। देखिए बच्चों कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके बाद जो नाउन लगा रहता है वो नाउन उन क्वेश्चन वर्ड के साथ में रहता है, बहुत इम्पोर्टेंट बात माइंड में रहे, मैं शब्द बोल रहा हूँ वो शब्द हैं विच, विच के साथ जो भी नाउन लगा रहेगा पैसे बनाने में सेम रहेगा, विच बुक लिखा विच बुक लिखिए, विच फ्रूट लिखा विच फ्रूट लिखिए, ओके विच हो गया, हाउ मैनी लिखा हुआ है, हाउ मैनी बॉयज, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, हाउ मैनी पीपल, ठीक है, हाउ मच लिखा हुआ है, हाउ मच के आफ्टर क्या लगा है, नाउन लगा हुआ है, हाउ मच मिल्क, हाउ मच वाटर, इस तरह से ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके साथ जो नाउन गिवन है वो आपको हटाना नहीं है, माइंड में रहे बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों शब्द जो बोले गए हैं, विच बोला विच के बाद नाउन होगा, हाउ मैनी के बाद नाउन होगा, हाउ मच के बाद नाउन होगा, आपको वो तीनों शब्द एक साथ या दो शब्द एक साथ लिखने हैं, मैं एग्जांपल में दिखाई दे रहा हूं, विच फ्रूट विल यू ईट, देख लीजिए ये बता रहा हूं, विच के साथ फ्रूट लिखा हुआ है आपको चेंज नहीं करना है, ये देखिए हेल्पिंग वर्ब में हेल्पिंग वर्ब के पहले जो भी वर्ड लिखे हैं वो क्वेश्चन वर्ड के साथ वो लिखा रहा है, नाम लिखा हुआ, ठीक है, विच फ्रूट हम पहले लिख दें, विच फ्रूट हमने यहां लिख दिया, विच फ्रूट लिख दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लाए हैं, कहां है ऑब्जेक्ट, है इसमें नहीं है, आप देखिए आप कौन सा फल खाएंगे लिखा हुआ है, यानी आपके द्वारा कौन सा फल खाया जाएगा, आपके द्वारा देख लीजिए,
आपके द्वारा बोला गया, तो ये लिख लीजिए एजेंट बाइक लगाकर आपके द्वारा चला गया बाहर, बाय यू, ठीक है, ऐसे माइंड में रखिए आपके द्वारा, इसमें ये है, ये भी बाय यू, यहाँ जो भी सब्जेक्ट लिखा होगा उसे ऑब्जेक्ट बनाकर एजेंट बाइक के पश्चात लिखना है बस, और बाकी सारे शब्द क्रम से लिखने हैं, सारी वर्तें, ये विच फ्रूट विल लिख दिया, और विल के बाद आपको पता है मेरे वर्ब के पहले आपको बी लगाना है, बी के लिखिए ईटन लिख दिया, देन लगाइए बाई और यू को बाहर कर दीजिए ऑब्जेक्ट बनाकर, ये देखिए बस इतना सा अंतर है और कुछ नहीं करना है, आपके द्वारा कौन सा था? आप ऐसे पता कर लेंगे आपके द्वारा बाई यू जो चला गया, विल विल ये देखिए विच फ्रूट विल ही लिख दिया जाए तो बाई हिम हो जाएगा, मोहन लिख दिया जाएगा भाई मोहन से बाहर कर दीजिए बस, बाकी सारा सीक्वेंस सेम। एक हाउ मेनी वाला भी देख लेते हैं, नंबर थर्ड हाउ मेनी बुक्स, यानी हाउ मेनी बुक्स will you buy, ये लीजिए how many books, देख लीजिए हमने कहा how many के आफ्टर जो भी नाम लिखा होगा आपको नहीं बदलना है, नो चेंज, देख लीजिए पूरा उतार लीजिए how many books, how many books लिख दिया, how many books और शब्द के लिए फिर से लिखते जाइए विल फिर बी फिर बाय परफॉर्म बॉट देन बाय यू को बाहर कर दिया, ये लिखिए ये है इस तरह से। हाउ मच लिखना है वो भी बता दे रहा हूं, हाउ मच मिल्क विल ही ड्रिंक लीजिए, ठीक है सेम वर्क करना है, हाउ मच लिखा है पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपको एक साथ, हाउ मच मिल्क लिख दिया, क्रम से उतारते जाइए मिल्क फिर थर्ड फॉर्म लगा के बी के बाद थर्ड फॉर्म ड्रंक फिर बाय और बी का ऑब्जेक्ट, ये है बच्चों ये बात थी बहुत इम्पोर्टेंट, माइंड में रहे ये बात, और तीनों इंडेफिनिट आपके फिनिश हो गए हैं। अब अगले टर्न पर मैं आपको इन तीनों इंडेफिनिट का एक छोटा सा टेस्ट लिखूंगा और उसको यू हैव टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस, इफ देयर इज एनी डिफिकल्टी यू कैन कंसल्ट मी, यू कैन आस्क मी योर प्रॉब्लम and write your views and comments so that I can understand that you are paying attention to the topic, okay, thank you.